मैं हूं अनिल और आज मैं आपको बताने वाला हूं किसी भी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल का यूज कैसे करते हैं। तो बहुत सारे भाइयों का यही क्वेश्चन होता है कि भाई टॉप मॉडल तो ले लिया है बट इसके क्रूज कंट्रोल को यूज कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू यूज क्रूज कंट्रोल इन योर कार। तो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूं। ये क्रूज कंट्रोल को आपको प्रॉपर समझाने के लिए हम लोग गाड़ी को ले हाईवे पे लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ आपको मैं बताने वाला हूँ क्रूज कंट्रोल को कैसे एक्टिवेट करते हैं। क्रूज कंट्रोल में बेसिकली यही होता है कि आपके पैर टोटली फ्री हो जाते हैं, आप एक बटन के माध्यम से गाड़ी की स्पीड को अप या डाउन कर सकते हैं। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए इसकी बेसिकली पहली शर्त यही होती है कि आपकी गाड़ी 40-45 एबो होनी चाहिए। इस समय हमारी गाड़ी है अप्रोक्स 80 के आसपास। तो सबसे पहले एक्टिवेट कर देते हैं ये क्रूज कंट्रोल का बटन। इसके बाद इसको नीचे प्रेस करने के लिए यहाँ ये सेट का बटन दिया हुआ है, इसको यहाँ सेट कर दिया। गाड़ी लग चुकी है क्रूज पे, ये देखो लग गई। अब मैं यहाँ से देखो मेरे पैर एकदम फ्री है और मैं यहाँ से प्लस माइनस प्लस करूँगा। एक प्लस किया 50-57 58-59 60-61 62 63, ऐसे ऐसे करके आप गाड़ी की स्पीड इसको कंटिन्यूसली दबा के रखोगे तो गाड़ी इनिशियली स्पीड पकड़ती रहेगी। मेरे पैर प्रॉपरली एकदम फ्री है। बहुत सारे भाइयों की क्वेरी होती है कि गाड़ी तो टॉप मॉडल ले ली, अब इन साइड के बटनों का करें क्या। तो उन भाइयों के लिए ये मेरी वीडियो देख लो एक बार फिर से, मेरे पैर एकदम फ्री है। नहीं, जैसा कि आपने देखा कि मैंने हाईवे पे प्रॉपर क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करना इस वीडियो में दिखाया है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर गाड़ियों से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।